A warm welcome to all the participants on the Zoom tonight. PMC Gujarat पे आप सभी का सुस्वागतम. मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, आप सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार. आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे वाक क्षेत्र के बारे में, द पावर ऑफ वर्ड्स. हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों से या तो हम कुछ रचनात्मक कर सकते हैं और या तो हम उससे कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं. इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव. ये हम पे निर्भर करता है, हम अपने शब्दों के साथ में क्या करते हैं. बहरहाल एक बात पक्की है, शब्दों की ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा सृजन करती है हमारी सृष्टि को. आज का जो टॉपिक है द पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे साथ में लेने के लिए डॉक्टर जीवनधर बने हुए हैं. तो डॉक्टर जीवनधर को मैं यहाँ पे पेश करूं. उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जहन में जरूर सोचें, क्या आप जो वर्ड्स बोलते हैं उसके बारे में भूलने से पहले आप सोचते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके निकला हुआ हर एक वर्ड एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे आपने एक बार छोड़ दिया फिर उसे आप भी रोक नहीं सकते हैं. उससे या तो आपकी सृष्टि में कुछ सकारात्मक होने वाला है, और अगर वो नकारात्मक वर्ड आपके मुंह से छूट गया तो वो कुछ ना कुछ नकारात्मक लेकर के आपकी सृष्टि में वापस लौटने वाला है. कहने का मतलब, हम अपने ही जिंदगी में ऐसी कुछ गलतियां कर जाते हैं जब हम जागरूक नहीं होते, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है. आइए आज हम खुल के सब बातचीत करेंगे. हमारे साथ में सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर जीवनधर सर जुड़े हुए हैं कर्नाटका से. लेट अस गिव अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर जीवनधर. जीवनधर सर नमस्कार. यस सर, नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्कार सर. यस डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, आज का सेशन शुरू करेंगे. आप सबको प्रणाम. आज हम बात करेंगे बात पर. हमारी बातों पर हम बात करेंगे. और इसे हिंदी में ना बात करेंगे, बातें करेंगे, ऐसे कहते हैं. करना मीन्स क्रिएशन, हमारे हाथों में है. वही दक्षिण के हमारे लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है बातें खेलेंगे, माता डोना. इट मीन्स बातें खेलेंगे, मतलब बातों के साथ खेलना या बातें करना, क्रिएट करना. तो दोस्तों, बहुत अद्भुत क्षेत्र है ये वाक क्षेत्र. वाक मतलब वाणी, जो हमारी जीभ से बाहर ध्वनि के रूप में और उसके साथ ध्वनियों के साथ अर्थगर्भित शब्दों को रखकर जो निकलती है, इसे वाणी कहते हैं, इसे वाक कहते हैं. पत्री सर का एक अद्भुत पुस्तक है, आप सबको मालूम है, आप सबने पढ़ा है. उसमें उस बुक का नाम है वाक क्षेत्र, और डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे. शायद गुजराती में भी आ गया होगा और हिंदी में तो है ही. दोस्तों, उसमें सर क्लियरली कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसके प्रति कुछ हानि होने वाला नहीं, आप जो फील करते हैं उसके प्रति कुछ हानि होने वाला नहीं, लेकिन आपसे मुख से जो वाणी निकलती है उसके प्रति बहुत होशियार रहना चाहिए. क्योंकि एक बार इसे, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रह्मास्त्र है, एक बार छूट गया तो छूट गया, वापस नहीं ले सकते. और ये एक बार गया हमारे कंट्रोल से बाहर, तो हम
प्लीज मैजिक थिंग अब समझ लीजिए, एक बार बाण छूट गया तो छूट गया, नो प्रॉब्लम, जो डिस्ट्रक्शन करेगा करेगा, लेकिन एक बार वाणी छूट गई, छूटने से पहले वाणी के ऊपर हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है, हम आजाद हैं। हमारी वाणी निकलने के बाद हम अपनी वाणी के बंधन में आ जाते हैं। छूटने से पहले हमारा कंट्रोल है, लेकिन छूटने के बाद हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। पूरा क्लास का जस्ट इसमें ले लीजिए। छूटने से पहले मेरा कंट्रोल है, अभी अभी अगला वाक्य मैं क्या निकालूं, ये मेरा कंट्रोल है, लेकिन निकल गया तो उसके कंट्रोल में आ गया मैं लाइफ। तो इस रहस्य को, ये ओपन सीक्रेट है, रहस्य बोलने की क्या बात है, लेकिन इस रहस्य को प्लीज जिंदगी भर जान लीजिए। अब मैं बोलता हूं निकलने के बाद हम क्यों उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इस एंटायर ब्रह्मांड को पता नहीं कि आप क्या कमांड कर रहे हो। हमारे मुंह से जो निकल के आता है इस नेचर में वो कमांड है, उसको मालूम नहीं कि आप क्या कमांड कर रहे हो, लेकिन आप जो भी कमांड करोगे वो कहेगा यस। इट इज नेचर गिविंग एवरीथिंग। मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों की आदत होती है, अरे हमारा नसीब ही ऐसा है यार, हम क्या करें, हाँ कुछ काम किया तो ऐसा ही होता है, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो, और नेचर क्या कर रहे हैं, ओके अस्तु। हमारी वाणी हमारा लाइफ है। मैं आपके सामने इतने लगातार इतना दूर एक गुजरात के इतने टीम में शायद फिजिकली एक व्यक्ति को भी नहीं देखा, फिर भी हम आ जाते हैं सभी एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इसका कारण है हमारी वाणी। डॉक्टर साहब बुलाते हैं तो उनकी वाणी, हम जुड़े हैं, अभी तक हम नहीं देखे। देखिए जस्ट बाय वर्ड, अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं कितने सारे कितने लोग बैठे हैं, सॉरी जस्ट ज्वाइन हो गया, और इतने सारे लोग इन फ्यूचर ये सब देखने वाले भी हैं, लेकिन देखते क्यों, ये सुनने के लिए कि बंदा बोल क्या रहा है, बोली के बारे में बोल क्या रहा है, इस बातों के बारे में क्या बात कर रहा है। तो नेचर को हो जाता है कमांड, और यहां आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको अंदर आगे के क्लास में सेशन में ले जाता हूं। प्रैक्टिकल ये कि प्लीज आप सब एक मिनट टाइम लीजिए, या तो आंखें बंद कीजिए या आंखें ओपन कीजिए, इट्स योर चॉइस। बंद करके थोड़ा रेट्रोस्पेक्शन करते हैं, अंतर अवलोकन करते हैं, तो और डीप अप कर सकते हैं। दिन भर कुछ लोगों की आदत होती है, आपकी आदत होती है कि द सेम वर्ड को रिपीट करते हैं आप बार बार, और मैं आपसे कहता हूं वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा वाक्य है जो दिन भर आप रिपीट करते रहते हैं हर दिन। प्लीज रिमाइंड इट, आप रिकॉल कीजिए। सर मुझे नजर आया वो वर्ड जो मैं यूज करता हूँ बारंबार। ओके यस सर। चाहे मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ या किसी से कुछ ले रहा हूँ या किसी से बात करके उनको बस बाय भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक आदत है, मैं हमेशा थैंक यू जरूर बोलता हूँ, धन्यवाद जरूर करता हूँ। यस सर। तो आप लाइफ में ये आपने ऑब्जर्व किया कि लोग आपके प्रति बहुत थैंकफुल फील करते हैं। यस। डिड यू ऑब्जर्व इट? या दैट इज ट्रू।
इट इज बिकॉज ऑफ यूअर थैंकफुलनेस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर थैंकफुलनेस। वैसे दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने अपना रिपीटेड वर्ड कहा, वैसे आप में से कोई है जो आप बार बार यूज करने वाले शब्दों को आप प्लीज कह सकते हैं? अब आपकी बारी है दोस्तों। यस रेणु जी। जी सर, मैं एक शब्द बार बार कहती हूँ अपनी छोटी बुटिया से। आपको पता है मेरे पास एक एंजल है, एक एंजल है। तो ये शब्द मैं बहुत रिपीट करती हूँ, काफी समय से करती हूँ। जो कोई बात करते हैं उनसे आप ये बात रिपीट करते हैं? खासतौर पर बिटिया, मगर यही एक शब्द ऐसा है जो पूरे दिन में काफी बार मैं बोल देती हूँ। अच्छा, तो आपके बच्चे सच में एंजल जैसे फील करते हैं और आपको खेलते हैं तो वो देखते देखते हमें ऐसा लगता है कि उनको एंजल एंजल को साक्षात घर में देख रहे हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली, इट इज देयर ऑन देयर फिजिकल बॉडी, वो फीलिंग अपने आप उनमें आ जाता। और एक बार तो उसके साथ ऐसा भी किस्सा हुआ कि मैंने उसका पिक लिया तो वो पार्क में खड़ी थी, जो पार्क में खड़ी थी तो उसके ठीक ऊपर सन था, उस सन के ठीक ऊपर एंजल का फोटो आ गया था। यस, और शेयर कीजिए ग्रुप में, अपने ग्रुप में प्लीज। आप जब भी पिक आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ढूंढ के रखते हैं, विल कम बैक, विल कम बैक। डॉक्टर साहब तब तक हम आगे जाएंगे, मंजू लता जी की शेयरिंग ले लेते हैं जब तक। सर मुझे भी आदत है, थैंक यू यूनिवर्स, कोई अच्छा काम हो गया तो थैंक यू यूनिवर्स करती हूँ मैं दिन भर, और किसी को भी थैंक यू करना तो वो हैबिट ही हो गई है। और मैडम आपसे कहो, आपका फिजिकल अपीयरेंस ही ग्रेटिट्यूड से फुल भरा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, हमें भी थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और लाइफ में ना हम वैसे ही रिसीव करते हैं, आपने ऐसा विटनेस किया? जी जी, ओके, यस प्लीज, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी सर, ऊपर देखिए सर, ऊपर सन है, उसके ऊपर देखिए सन के, ओह एग्जैक्टली, yes, it's colorful, it's very colorful, yes, yes, beautiful, ma'am, हमने ना सच में इस सेशन में चार चांद लगाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। ओह अनुपमा वैद्य जी, प्रणाम जी। प्रणाम सर। सर मैं उड़ीसा से बोल रही थी। ओके सर, मैं अपने बच्चों जब भी मुझसे कुछ मांगते हैं ना, मैं उन्हें कभी मना नहीं करती, चाहे बड़ी चीज हो चाहे छोटी हो, उन्हें एक चीज बोलती हूँ कि नहीं, हम बहुत करोड़पति हैं, हम आपको दे देंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चे भी फिर हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं नहीं, सचमुच हम बहुत करोड़पति हैं, जो हमको चाहिए हमको मिल जाता है। क्या बात मैडम, आपसे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ मैडम? जी 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 सर, पूछिए। आपके लाइफ में ना, जैसे आप बच्चों को बोलेंगे, किसी न किसी बहाने आपको वो पैसे जुट जाता है जो आप बच्चों को दे सके? जी जी बिल्कुल सर, यही चीज होता है, से हो जाता है, जो हमको चाहिए होता है, हम मतलब यूनिवर्स को हम बोलते नहीं, उससे पहले ही हमारे पास आ जाता है, किसी न किसी बहाने वो आ जाता है, आ जाता है, पता है, पता नहीं। यस जी, नो मैम, यस बिल्कुल। फ्रेंड्स देखा आपने, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेशन को बहुत बढ़िया बनाया आप सब। कल्पना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी धीरेन्द्र सर, बहुत नमस्ते। जीवनधर, नमस्कार जीवनधर सर, आपको बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जैसे मैं स्पिरिचुअल में लगी हूँ, आध्यात्मिक में, तो कितने सारे सेशन है और दिन भर ध्यान ध्यान ध्यान, हम उस मोड में ही रहते हैं, क्योंकि एक बार उसका आदत हो गई या आनंद आने लग गया ना, तो सब फटाफट काम निपट के हम आनंद की बात ही करने में लग जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पति का है, वो मुझे कभी नहीं बोलते ही नहीं है, ध्यान करना है करो, आपको जाना है हैदराबाद जाओ, आप सुबह जल्दी उठे उठो, शाम में उनका खाने का टाइम और हमारा सेशन का टाइम एक ही होता है, बट वो कभी ही डांटते नहीं है और शांति से रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा, मैं उनको हजार बार दिन में धन्यवाद बोलती हूँ, जब जब मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं अपने पति को धन्यवाद बोलती हूँ कि आपके कारण मैं ये कर सक रही हूँ,
अगर वो वाले पति होते हैं ना कि मेरे साथ ही खाना खाना है, मेरे पास बैठना है, मैं बोलू वो ही करना है, ऐसा कुछ नहीं करते, वो मुझे फुल सपोर्ट, आध्यात्मिक में फुल सपोर्ट करते हैं, जो इस उम्र में बहुत जरूरी था मेरे लिए। और मैं पहले से चाहती थी कि मैं 60 के बाद आध्यात्मिक में और शांति से रहूं, वो वाला सपोर्ट मुझे मिला है सर, बहुत सारा धन्यवाद है मेरे पति को, बहुत ज्यादा धन्यवाद है। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट मैम। तो ये मैं दिन में 10 बार बोलती हूँ उनके लिए, था ये एक बात बहुत बाय हार्ट करती हूँ सर। इस सेशन में आप एकदम एकदम फ्रीली ज्वाइन हो गए हैं और इतनी आजादी आपको मिली है और पूरा सपोर्ट आपको स्पिरिचुअल प्रोग्राम में है, तो इससे बड़ी आजादी जिंदगी में हो क्या सकती है मैम? और सर विशेष यानी दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ फ्रीडम, दिस इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल फ्रीडम। और ये विशेष एक है सर, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिक में, कुछ बात समझते नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करते, मुझे कोई नाम नहीं रखते, बिल्कुल बल्कि मुझे मेरे को फ्रीडम देते, तेरे को जो अच्छा लगता है वो करो आप, दैट इज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिटी मैम। आपके मिस्टर जो आपके कर रहे हैं ना, दैट इज अ ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिटी, दूसरों को फ्री करना और उनकी आजादी बरकरार रखना ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिटी है धरती पर। व्हाट इज लिव एंड लेट लिव? लिव एंड लेट लिव इज हाईएस्ट काइंड ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल बिल्कुल, एंड ही इज लिविंग इट। उनको कोई घर में बोर्ड की जरूरत नहीं, लिव एंड लेट लिव, ही इज डूइंग इट। यस 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 सर, यही वो करते हैं, मैं सीखती हूँ, लेकिन वो उनमें अपने आप उतरा हुआ है, करती हूँ मैं हूँ, सीखती मैं हूँ, और रिजल्ट उनमें आया हुआ। प्रैक्टिकली ही इज प्रैक्टिकली लिविंग इट। उनको कोई घर में फोटो लगाने की, मैसेज रखने की और या व्हाट्सएप में स्टेटस, कुछ भी जरूरत नहीं, प्लीज कुछ भी जरूरत नहीं, कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मैम, उनका प्रेजेंस ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो बहुत ही कम शब्दों के अंदर में लोगों की ही वाणी से वो खेत दिखा दिया और सिखा दिया और समझाया, बहुत कम समय में ये बात समझ में आने लगी कि जो हम बोल रहे हैं वो हमें कंट्रोल कर रहा है। मैंने धन्यवाद बोला तो मेरे को धन्यवाद सब जगह से मुझे कंट्रोल कर रहा है, सब जगह धन्यवाद वर्ड मुझे केयर कर रहा है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ मी। यस, हम जो बोलते हैं वो वर्ड हमें केयर करता है। यस, ओके, यस। कुछ लोगों के मन में होंगे कि मेरे मुंह से अमुक ऐसा नेगेटिव वर्ड निकलता है, या कुछ लोगों के मुंह से होता होगा कि ऐसा जब भी मैं बात करूं तो ये निकलता है, तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए अपने लाइफ में वैसा ही होता रहा है, विटनेस कीजिए। यहां आप जवाब दे या न दे, प्लीज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अंतरावलोकन कीजिए, आपके लाइफ में हुबहू आपके शब्द जो निकलते हैं बारंबार, वैसे ही हुबहू आपका लाइफ है। ओके, तो अब प्लीज जीसस क्राइस्ट का वर्ड समझ लीजिए, जो पत्री सर ने क्लियरली वाक क्षेत्र बुक में मेंशन किया है, व्हाट गोज इनटू द माउथ डज नॉट डिफिलिट ए पर्सन, व्हाट कम्स आउट ऑफ द माउथ डज डिफिलिट ए पर्सन। हमारे मुंह के अंदर से हमें हमारे अंदर क्या जाता है वो हमें खराब नहीं करता, लेकिन हमारे मुंह से जो निकलता है वो खराब करता। तो आज से हमारे मुंह से कभी भी खराब शब्दों का अभिव्यक्त नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो क्या करना, हमें गुस्सा आता है तो क्या करेंगे? बेसिक आपको सबको कॉमनली एक प्लीज एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही कॉमन, गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं, पता है क्यों चिल्लाते हैं? आदमी एकदम नजदीक है, सामने खड़ा है, उसको टच किया तो हम टच कर सकते हैं, एक दो फीट में है, लेकिन फिर भी शॉटिंग हमारी ताकत जितनी है उतनी पूरे शॉटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा क्रोध आता है, जब हमारे यहाँ नेगेटिव फीलिंग आते हैं, तो हार्ट बहुत छिप के अंदर जाता है और हार्ट से हार्ट बहुत दूर हो जाता है। जब हार्ट से हार्ट दूर हो जाते हैं
तो उसको पहुंचाने के लिए अगेन वहां से आवाज निकलती है कि उसको पहुंचाओ जोर से चिल्ला के। हार्ट बहुत दूर होता है, आदमी सामने है, डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे हैं, म्यूट अनम्यूट। यस हाँ सर, मैंने तो यही कहा कि आपने जो बात बताया ये बात तो बिल्कुल सच है। यस, क्योंकि हम एकदम नजदीक होते हैं, लोग एकदम नजदीक होते हैं लेकिन चिल्लाते हैं और इतनी जोर से चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाते हैं क्योंकि वो अंदर से दूर है, उनके हार्ट के ऊपर लेयर आ गया डिसबिलीफ का, लेयर आ गया, हार्ट दूर हो गए तो चिल्लाना पड़ता है। तो उस डिसबिलीफ को कैसे निकालना, पहले अपने हार्ट के ऊपर से निकालना। देखिए आज से ठान लीजिए, सामने वाला जितना भी गुस्सा करे अगर आप शांत होकर बात करेंगे तो 2 मिनट में वो बंदा शांत होना ही चाहिए। Yes. He or she will be unable to shout. वो धीरे धीरे उनकी बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि आप चिल्ला नहीं रहे, आप हार्ट से कनेक्टेड हैं। उनको हिम्मत नहीं होती सर, सामने वाला yes. शांत बोले और दूसरा आदमी चिल्लाए, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। आई फुली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग सर, आपकी बात से मैं पूरी पूरी सहमति जताऊंगा क्योंकि मैंने ये कहीं बाहर नहीं घर पे भी देखा है। बेस्ट प्रैक्टिकल अगर सामने से कोई आप पे चिल्लाए और आप ना चिल्ला के साइलेंस बना लें तो कोई क्यों चिल्लाना बोलिए, इतना उनको सेफ मत कीजिए, लाइफ पार्टनर ही बोलिए। और चिल्लाते रहते हैं लेकिन अगर हम शांति रखते हैं तो 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट यस तो फिर नॉर्मल। अगर आप भी भड़के तो कभी भी शांत नहीं, तो माजरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मामला बिगड़ जाता है। तो हुआ क्या, उनका जितना उथल पुथल हो रहा था अंदर से लेकिन आपकी ओर से कुछ उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यस, अगर आपकी ओर से सपोर्ट मिलता तो और भी उछलता। यस, तो जितना उछल के खाली हो गया शांत हो गए 2 मिनट में। तो ये सर, दिस इज ग्रेटेस्ट कंट्रोल पॉइंट। देखिए प्लीज, एक स्पिरिचुअलिटी में एक बात समझ लीजिए, हम जो सोचते हैं वो हमारे पास रह जाता है, हम जो फील करते हैं वो हमारे पास रह जाता है, लेकिन जो हम व्यक्त करते हैं Either it is body language or words or vision or something action, वो रह जाता है। तो the best way इसके ऊपर हम control करेंगे तो सारी धरती के लोग जितने हैं उनके ऊपर हमारा control आ गया। बापूजी दुनिया के लोगों पर क्यों control रखें, क्योंकि वे अपनी वाणी पे कंट्रोल रखे थे, कुछ नहीं किया था उन्होंने, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा था। ब्रिटिश लोग उनके ऊपर जितना भी कहा उनको कुछ नहीं कहा, उनको फ्रेंड समझते थे। बापूजी जितना फ्रेंडली उनके साथ फाइट किया उतने दुनिया में किसी ने भी नहीं किया, सबके साथ पर्सनल रिलेशन दी बेस्ट, लेकिन सोशल रिलेशन एकदम शत्रु, परम शत्रु। उनको खदेड़ दिया यहां से, लेकिन पर्सनली दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल है सर, पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके सोशल रिलेशन में अपना तत्व को अभिव्यक्त करना और संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से लोगों को भी समझ में आना, इट्स ग्रेटेस्ट चैलेंज। एंड बापूजी हमारे सामने एक मिसाल है जो करके दिखाए, उन्होंने भी बोल के ही करके दिखाया सर, उन्होंने खाली exactly. मूवमेंट का नाम देखिए, मूवमेंट का नाम रखा क्विट इंडिया मूवमेंट। यस, उनका बोलना और वो होना, क्योंकि सब वही बोलने लगे क्विट इंडिया मूवमेंट, उनको कोई चारा नहीं बचा क्विट करने के सिवाय। यस, उनको कोई चारा नहीं बचा। तो शब्द शक्ति देखिए,
हम ना विद्यारंभम करिष्यामि, विद्याधि देवता को हम सरस्वती माता को हम प्रणाम करके, पूजा करके, वंदन करके हम विद्या का विद्या की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, विद्या देवी को हम वाक देवी कहते हैं। वाक प्लस देवी, वाक देवी वाणी पर है, उसको वाणी भी कहते हैं, वाक देवी भी कहते हैं। शी इज वाणी। देखिए, हम जितने हम सहज सांस पर ध्यान रखेंगे उतने हम ध्यानी हैं, उतने बड़े, उतने डीप, उतने गहरे ध्यानी हैं। जितने हम वाणी पर ध्यान रखेंगे उतने बड़े, उतने डीप, उतने गहरे हम ज्ञानी हैं। वाओ, वेरी 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 सिंपल। क्योंकि यहां वाक देवी है, वाणी है। इला जी को हम सुन के आगे बढ़ेंगे प्लीज। नमस्ते जीवंदर सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, प्लीज बोलिए सर। मेरा ना एक और भी एक्सपीरियंस है कि मैंने ये देखा है लाइफ में कि जो लोग अपना वाणी पे कंट्रोल नहीं रखते, मतलब तोल के नहीं बात करते, कि दूसरे को लग इतना आर पार हो जाती है। आई हैव सीन दे आर सफरिंग विद एक्यूट थ्रोट प्रॉब्लम्स। मतलब इतना तक कि मतलब उनको एक शायद लेसन की यहाँ तक। आर यू ए डॉक्टर? आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट एवरीवन इज अ डॉक्टर इन माय हाउस। सो आई सो दे कीप टॉकिंग, सो आई कीप लिसनिंग। तो मैंने ये देखा कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट थ्रोट प्रॉब्लम्स, और कई बार तो ऐसा भी देखा कि उनको होता कुछ नहीं है पर डॉक्टर सजेस्ट कर देता है टू गो फॉर इवन बायोप्सी। मतलब उन्होंने इतना दिल दुखाया होता है लोगों का कि उसमें निकलता कुछ नहीं है, पर वो उस टॉर्चर के थ्रू जाते हैं। ये भी मैंने देखा है। ओके, तो इसलिए बात हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आपको कोई कितना भी बोले एकदम बंद रखेंगे ना तो हम बहुत कुछ सेव करेंगे मैडम। यस, वाल्कने से जो निकलता है उसमें कुछ जलना बच सकता है, लेकिन इस वाल्कने से जो निकलता है कुछ बचता नहीं मैम। यस, मतलब माय फादर ऑलवेज यूज टू से दैट देयर इज नो नीड, यू डोंट हैव टू आंसर एवरीवन। इफ समबडी इज शाउटिंग, शाउट। You exactly. don't have to answer everyone. दो मिनट में शांत हो जाते। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई शाउट कर रहा है आप निकल जाओ वहां से। yes. अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वहां से हट जाओ। Yes. Exactly. Exactly. Thank I you, wanted to only share this, नहीं नहीं, वो बहुत, क्योंकि यहाँ आपके टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब कहते रहते हैं, ये देखिए यहाँ अगर उनको प्रॉब्लम हो गया तो उनका प्रॉब्लम सीधा रिलेटेड आप उनकी वाणी से ऑब्जर्व किया आपने। दैट इज ग्रेट थिंग मैम, दैट इज ग्रेट थिंग। यस सर, वेरी ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट इला। या डॉक्टर साहब, देखिए वाणी कैसे उनके ही गले को इफेक्ट करता है। तो हम वाक देवी का, वाणी देवी का, जो श्री वाणी का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, उससे पहले इला मैम का, यस लीना जी लेंगे, लेकिन इला मैम से कुछ मुझे रिलेटेड शेयर करना है, इसीलिए मैम और सभी सुनिए, इला मैम भी सुनिए। डॉक्टर मसारो इमोटो, इसको तो सभी देखे हैं आप प्रैक्टिकली, डॉक्टर साहब तो बहुत बार शेयर किए होंगे, बहुत बार प्रैक्टिकल सेशन भी किए होंगे, कराए होंगे। देखिए हमारे मुंह से जो निकलता है वाटर पार्टिकल पर इतना इफेक्ट करता है, तो दूसरों के बॉडी भी 80% वाटर है, तो वो तो इफेक्ट करेगा ही उनके ऊपर, लेकिन वो एक्सप्रेस करने वाले इला मैम भूल जाते हैं कि अपने बॉडी में भी 80% वाटर है। सर मेरे मैंने
मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को अगर कभी कोई कुछ बोल देता है तो मेरी बॉडी पे तो बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा, और यहाँ तक कि मुझे बीपी का मेडिसिन ट्वाइस अ डे खाना पड़ता है। आज के बाद ना आपके बीपी के लिए प्लीज, जैसे भी निकल गई बात तो आपके बीपी के लिए प्लीज कहता हूँ, कोई कुछ कहा तो आप ऐसे कीजिए, सामने वाला जो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो अपना टेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, वो खुद बैलेंसड नहीं है। मैं ना इतना प्योर मिरर हूं, मेरे सामने आके वो उथल पुथल ऐसे उछल रहे हैं, तो वैसे यू फील लाइक ए मिरर। आज से आपको गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आज से थैंक यू सर। जो भी सामने वाला आता है तो खुद उथल पुथल है, आई एम जस्ट मिररिंग हिम और हर। सर नोबडी लाइक्स टू बी मिरर्ड नाउडेज, एवरीवन फील्स दे आर नो, वो भूल ही जाइए आप। अरे वो कितना भी चिल्लाए सामने वाला, मिरर को फर्क नहीं पड़ता, मिरर तो गोली नहीं लेती बीपी की, सामने वाले को लेना पड़ता है मैम, मिरर को लेना नहीं पड़ता। तो बी ए मिरर, आज से गोली खत्म, गोली को आज से प्लीज क्या कीजिएगा, गोली मारिए। ओके यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस विजडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके यस डॉक्टर साहब, अभी एक मैडम सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद हम वाग देवी वाणी देवी के बारे में पास पहुंचेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये बात तो जीवनधर सर आपने जो बताई ना, आपने बात किया, जब बात किया कि वाणी देवी, मुझे वाक देवी या वाक देवी, तो मुझसे वो याद आने लगा, मुझे याद आने लगा जब मैं छोटा था, मेरी मदर मुझे कई बार बोला करती थी कि कभी कभी दिन में आपकी वाणी पे सरस्वती बैठ जाती है तो बड़ा सोच के बोला करो, ऐसा मुझे कई बार वो बोला करती थी। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कई बार नहीं, हमेशा बैठी रहती है सरस्वती, हमेशा 24/7 वो हर बार हो रहा है, हर बार yes। ओ शाह, इस ब्रह्मांड को हुक्म है हमारी वाणी, यस हुक्म है। ओके अभी मैडम जो सवाल पूछ रही थी शायद बाद में पूछेंगे, अभी आगे का पार्ट बताऊंगा। ये वाणी हो गया, ज्ञान हो गया, वाग्देवी हो गई, सरस्वती हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि जब वाणी हमारे मुंह से निकलती है तो ब्रह्मा बन जाता है, इट विल बी ए क्रिएटर। वो दोनों जुड़े हुए हैं, वाणी और ब्रह्मा दोनों जुड़े हुए। जो वाणी निकलती है सरस्वती माता की कृपा से, लेकिन निकलने के बाद हमारा ब्रह्मा बन जाता है, हमारा क्रिएटर बन जाता है। यस ब्रह्मा इज ए क्रिएटर, विष्णु इज नॉट क्रिएटर, राइट, शिवा इज नॉट क्रिएटर, माता सरस्वती के साथ जो है ही इज क्रिएटर। लक्ष्मी के साथ पालन करने वाला है, शक्ति के साथ नेगेटिविटी संघार करने वाले हैं, यस, लेकिन वाणी के साथ सृष्टिकर्ता बैठे हैं ब्रह्मा, यस ही इज क्रिएटर, आवर वाणी इज आवर क्रिएटर। एक्सप्रेस करने के बाद वो ब्रह्मा बन जाता है, शब्द ब्रह्मम हमारे हमारे प्राचीन साहित्य कहता है, शब्द को हमने ब्रह्म कहा, शब्द को हमने ब्रह्म कहा। मुझे पता नहीं दुनिया की कोई भी लिटरेचर शब्द को ब्रह्म कहा गया हो, लेकिन हमारे इंडिया में शब्द को हमने ब्रह्म कहा। इट इज ब्रह्म, इट इज आवर क्रिएटर, नोबडी इज आवर क्रिएटर, नो वन इज आवर क्रिएटर, आवर क्रिएटर इज आवर शब्द, आवर ब्रह्म इज आवर शब्द। तो फिर इन दैट केस तो सर हमारे ये मतलब विचार जो हम लोग अंदर विचार कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पावर हो गई फिर तो इसमें, एब्सोल्युटली हमारी वाणी में, एब्सोल्युटली सर। विचार ना आप थोड़ा वापस भी ले सकते हैं क्योंकि आपने अभी एक्सप्रेस नहीं किया विचार के प्रति। दूसरे विचार यूं समझ लीजिए कि एक विचार आपने क्रिएट किया कि यह ऐसा होना है, लेकिन इमीडिएटली दूसरे विचार क्रिएट करके उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
लेकिन वाणी निकल गई ना, गई बात। विचार के प्रति विचार है सर। यस इला मैम जी फिर से आई। सर एक और चीज नोट की है मैंने, उन लोगों को गुस्सा आता है जो जिनमें सेल्फ लव की बहुत कमी होती है, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने से नाखुश होते हैं और वो दूसरों पे निकालते हैं, दूसरों पे। मैम प्लस इसके साथ साथ ना उनको लव को इजहार करने का तरीका मालूम नहीं। वो दे आर लव मॉन्गरर्स, राइट, जैसे पावर मॉन्गरर होते हैं, दे आर लव मॉन्गरर्स, राइट। दे डोंट नो, दुर्योधन को मालूम नहीं कि प्यार को कैसे पाना, right? They are love, like power mongers, they are love mongers, but they don't know how to get it. उनको ना हम आज किसी एक ऐसे के साथ प्लीज आप प्रैक्टिकली एक बार कीजिए उनको, थोड़ा एकदम ऐसे थोड़ा प्यार से बात करके ना, वो आपका वॉइस मॉड्यूल भी चेंज कीजिए, करके देखिए, टोन में थोड़ा मॉड्यूलेशन चेंज कीजिए, करके देखिए, वो पिघल के रोने लगेगा या लगेगी। You are absolutely right. I have experienced this, sir. Yes. एकदम पिघल जाते हैं, वो बहुत नमक के पुतले होते हैं, ऊपर ही ऊपर इतने तराश, लेकिन अंदर कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी पड़ा तो गए पिघल के, राइट। तो उनको ना ज्यादा प्यार की जरूरत है, वो प्यार के भूखे। कुत्ता क्यों भौंकता है, मैं कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए, लेकिन आगे कुत्ते का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर सर मेरे एक बात और शेयर करनी है कि वो प्यार के भूखे तो होते हैं, पर कहते हैं ईगो, इतनी अहंकार इतना बीच में आता है कि उसकी वजह से वो चिल्ला रहे हैं। वो ईगो चिल्ला रहा है, उनको वो ऐसे पूरा ये कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ ईगो दे आर डूइंग इट। And if they want to cry, they don't even cry in front of you. They go to the washroom and cry and come back. Yes. एंड आपके सामने ठीक ठाक दिखाएंगे, राइट। तो जब तक उनका ईगो पिघलता नहीं, तब तक उनको ऐसे फील होने दीजिए, लेकिन एक दिन आएगा जब हम प्यार से बात करेंगे ना, तो चेंज हो जाता है। एक महाराष्ट्र में पेपर में न्यूज आया था, प्लीज मैम आपसे शेयर करता हूँ और फ्रेंड सुनिएगा गौर से। एक घर में, एक मारवाड़ी सेठ जी के घर में चोर आ गया, और वो लेडी एक ही थी घर में, अकेली थी, और उसको डरा कर चाकू दिखा कर, अगर कुछ चिल्लाया तो मैं हाथ डालूंगा, ऐसे डरा कर उन्होंने पूरी चोरी की, और पूरा उसने सब कुछ जाने तक चुपचाप जो वो चाबी दी ये दी, हो गया सभी। लेकिन जाने से पहले ना वो बालकनी से जंप करने वाला था, और वहां जो शायद कपड़े डालने के लिए यहाँ कुछ और रॉड बीड, स्टील रॉड बीड होगा वहां पे, तो वो जा रहा था, इसको देखते देखते पीछे जा रहा था, वो आगे नहीं देख रहा था, वो पीछे के कदम से जा रहा था। ये औरत ना खड़ी खड़ी, इसको भी पता नहीं कि क्या बोली, लेकिन इसका कल्चर ऐसा होगा, भैया जरा देख के, वो आपको रॉड लग जाता है, आप गिर जाते हैं बालकनी से, राइट। आउट ऑफ कंपैशन उस लेडी से आया, और ना बंदा वो पीछे देखा तो रॉड था, और आगे बढ़ता तो बालकनी से पड़ता था। तो वो वापस आया, सारी गटरी वहीं पे रखा, कोई भी भाई अपनी बहन के घर से चोरी नहीं करेगा, और मैं आपके घर से आज बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरा, मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन आपको, आपने मुझे ये कहा, ये काफी है मेरे लिए। वो वापस गया, मराठी न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा सा न्यूज कवर हो गया है ये एक वर्ड, एक वर्ड, एक चोर के दिल में इतना परिवर्तन किया। उसका धंधा है चोरी करना, जीना है उसको, क्योंकि एजुकेशन नहीं, उसका बहुत कुछ बैकग्राउंड है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट इनेविटेबली ही इज डूइंग दैट। बट सर इतना उसको ज्ञान प्राप्त है कि वो उसी टाइम उसने अपनी गलती को समझा, और वो कितना प्योर है, देखिए वो चोर भी नहीं, कितना प्योर है, देखिए प्योर सोल है,
मतलब ही इज वेरी प्योर इन हार्ट, यू नो, रियली 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 एक वर्ड इतना चेंज किया, एक वर्ड। मैम ना जो चिल्लाएंगे ना आज से, हम लोग एक हमारे अंदर संकल्प करेंगे, हम उनके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, हम अपने ईगो को जीरो करके, सबसे पहले अपने ईगो को जीरो करके, अपने पूर्ण हृदय को ओपन करके उनके साथ हम प्यार से बात करेंगे। सर पर एक बात और है, आपने जो बोला हम अपने ईगो को जीरो करके, अपना ईगो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ नाउ, आई डोंट शो ईगो एनी वेयर, बिकॉज मैं हूं क्या चीज, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक छोटा सा जर्रा हूं, तो ईगो तो नहीं है, पर आई एम टेलिंग यू आई एम फ्रॉम दिल्ली, पीपल हेयर ज्ञान से अहंकार इतना है लोगों को कि आप, मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, सॉरी धीरेन्द्र सर, एवरी डॉक्टर नॉट द सेम, बट आई एम टॉकिंग इन दिल्ली, आई हैव मेट सो मेनी पीपल कि ज्ञान से अहंकार इतना है कि वो अगर उनका मूड ठीक नहीं है और अगर आप पहुंच गए तो वो आपको 10 टेस्ट लिख देंगे, और अगर उनका मूड ठीक है और तो वो आपको ठीक राय देंगे, यहाँ पे ऐसा भी होता है, इसमें क्या करना है बताओ। यस, तब भी मैम, तब भी हम अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। बुद्धा के ऊपर एक आदमी ने थूका, लेकिन बुद्धा ने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट डे उसी रास्ते से जाने लगे। आनंद ने कहा कि हद हो गई ये तो बात, आनंद वाज हैविंग कंट्रोल ऑन बुद्धा, क्योंकि उनका एग्रीमेंट था दोनों में, हद हो गई बात, कल तो मैंने टॉलरेट किया लेकिन आज नहीं करूंगा, बंदा वो आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आई एम अ वॉरियर। तो बुद्धा ने कहा ठीक है चलो, लेकिन दूसरे दिन आपको पता है क्या हुआ, वो उसके बुद्धा के उनके पैरों पर पड़ गए, अपने आंसू से उनके पैरों को धोया, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, एंड ही हैज बिकम बुद्धा का डिसाइपल। क्योंकि कल का दिन उसके अंदर कुछ था, बुद्धा ने उसको लेट आउट होने के लिए एक मौका दिया, और नेक्स्ट डे वो खाली हो गया, रात भर वो सो नहीं पाया, और नेक्स्ट डे वो चाह रहा था कि बुद्धा इधर आए, मैं माफी मांगू, बुद्धा उधर गए और वो बुद्धा का डिसाइपल बन गए, क्योंकि उनके अंदर का जो भी भड़ास था एकदम निकाल दिया उन्होंने, बुद्धा ने वे ओपन किया। इस सारे महापुरुषों ने क्या किया मैम, उनकी कहानी पढ़ी, उनको लेट आउट का नहीं, जैसे आप जो भी करते हो इट कम्स बैक टू यू, इट कम्स बैक टू यू। सी आई हैव सीन, मेरे घर में मेरी मदर सारा पेशेंट्स वीआईपी पेशेंट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, मैम आप क्वेश्चन थोड़ा पास कीजिए, आपके पास आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब इस सेशन को ना पार्ट टू में करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, पार्ट टू में करेंगे, ओके, क्योंकि सबके क्वेश्चन है और सबके क्वेश्चन को हम लेंगे, हो सके तो और एक पार्ट करेंगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन सर। यस प्लीज। तो आई हैव सीन दैट, तो मे मदर के जितने भी पेशेंट्स हैं सारे वीआईपी पेशेंट्स हैं एंड मोस्टली पुलिस पीपल आल्सो। सो व्हाट माय फादर यूज्ड टू से कि ये जितने भी इन्होंने जो भी काम किए हैं वो आज की डेट में बीमारी के रूप में निकल रहे हैं सारे के सारे। ये इसी जन्म में मतलब भुगत के जा रहे हैं सब के सब, तो पता नहीं फिर भी क्यों करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। जब को बाद में ये ही इतना मतलब जो भी कुछ जितना भी करोगे गलत काम तो वो तो आपका निकल जाएगा सारा का सारा, आपके एंड आपका हेल्दी थोड़ी रहोगे आप लास्ट में। यू मैडम आपसे एक बात कहूं, उनको ज्ञान दीजिए लेकिन वो टेंशन आप अपने ऊपर मत लीजिए, ज्ञान दीजिए, आप न्यूट्रल रहिए, प्लीज बी ए बुद्धा,
बुद्धा में कभी भी कुछ भी एक भी लहर उठी नहीं मन में, पूरा पूरा प्रशांत महासागर, पूरा दर्पण मिरर। तो प्लीज वो आप क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप थोड़ा अंदर ले रहे हैं उसको, और आप अंदर लेने के कारण आपको ये सब बीपी वगैरह टैबलेट्स लेना पड़ता है। आज से कुछ नहीं लेना प्लीज। एवरीवन इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा बैलेंस, एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस। आप उसमें दखल अंदाजी मत कीजिए, सेवा कर। मैडम आपसे कहता हूं, जनरल डायर जिन्होंने जालियांवाला बाग का हत्याकांड कराया, बापूजी ने कहा मैं इस हत्याकांड का विरोध करता हूं। उन्होंने जो कंडेम करना था अपने शब्दों में उन्होंने उसका खंडन किया, लेकिन जनरल डायर से मेरा अपना व्यक्तिगत विरोध नहीं। अगर वो अपने देश में उनके अंतिम दिनों में अगर वो बीमार पड़ते हैं तो मैं उनकी शुश्रूषा करने के लिए बहुत खुशनसीब समझता हूं। देखिए बापूजी के शब्द, जनरल डायर धरती पर इतना घिनौना काम कराया लेकिन बापूजी का उनका पर्सनल ग्रज नहीं। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो मैं उनका अस्पताल में उनकी शुश्रूषा करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए उनका एक्ट अलग, बापूजी का एक्ट अलग। तो हमें ना सामने वाले जो करता है उसके हिसाब से नहीं, अपने अंदर के क्वालिटी के हिसाब से, गुणानुसारिणी कर्मापत्री सर कहते हैं मैम, मतलब हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारे जो गुण है ना, तमा रज सत्व शुद्ध सत्व, इसके अनुसार होते हैं। तो अगर इसमें कोई कमी आ रही तो हमारे क्वालिटी में कहीं कमी है ना। तो आज से ना सामने वाला जितना भी वालकनो हो जाए लेकिन आपको प्रशांत महासागर ही रहना है। दिस शुड बी योर चैलेंज। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। या वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच, यू मेड आवर सेशन। थैंक यू सो मच। सच अ नाइस स्पोर्ट्स पर्सन। या डॉक्टर साहब अभी लगभग 10:30 अभी कितना लेंगे अकॉर्डिंग टू? हमारा मेडिटेशन का भी बाकी है, सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा ध्यान भी बाकी है। फ्रेंड्स इसको थोड़ा नेक्स्ट सेशन में वाक क्षेत्र इसको पार्ट टू में आएंगे प्लीज, अगले फ्राइडे। यस सर, पार्ट टू में आएंगे प्लीज। ओके, क्योंकि इसमें ना मुझे कुछ पर्सनली मैसेज देना है, वाक क्षेत्र कैसे क्रिएट करता है, इसको प्रैक्टिकली हम सबको देखना है। जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको ना इसको विटनेस करना। यस प्लीज। जो आपने आज जितना भी बताया सर, इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जितने हल्के से हम ले रहे थे इतना हल्का लेने जैसा है नहीं। हाँ, जो रहा है वो हमारे ही कहने के अनुसार। वो आपने बोला ना कि ये बोलने का खेल, ये बोलने का खेल बहुत महंगा भी पड़ सकता है। आउट हो गए तो हो गए ना सर, वापस रेफरी नहीं यहाँ पे, वापस आपको गेम में बुलाने के लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा फिर तो बोलने से पहले। यस, दिस इज वेरी कॉशियस क्षेत्र सर। ये बात जो आपने आज खोली है सबके बीच में, हालांकि यू नो एवरीबॉडी नोस समवेयर डाउन द लाइन, लेकिन आज इतनी आपने खुलासे के साथ में जब बात की ना, और आपने जो वो डेमो दिए 4-5 लोगों के कि आपने क्या चीज को ज्यादा आप रिपीटेडली बोलते हैं, तो क्या वो जिंदगी में आपके हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम उसे बोल बोल के अपनी तरफ खुद ही बुला रहे हैं कि ये चीज मेरे साथ में होनी चाहिए। ऑर्डर, यू आर ऑर्डरिंग इट, हुक्म कर रहे हो आप, नेचर को हुक्म कर रहे हो। ब्रह्मा है ना, वो निकल गए तो ब्रह्मा, निकलते वक्त तो वाणी वाक देवी, दोनों जुड़े हैं। गलती भी तो हो जाती है ना सर बोलते हुए, बहुत बार गलती भी तो हो जाती है। हाँ, उसको ना गलती के बारे में भी बात करेंगे सर, गलती कैसे होती है। हम यहाँ टेम्पर खो बैठते हैं तो वो जो उछलता रहता है ना, पूरा उथल पुथल रहता है ना,
सब गलती होती है, ये अगर शांत है ना तो गलती होती नहीं, गलती हो रही है तो हम अंदर बैलेंसड नहीं, इट इज सर्टिफिकेट। धीरेन्द्र अगर गलती हो तो नहीं है कि वी आर गॉड्स, गलती होती है, पर अभी क्या होता है कि ध्यान में आने के बाद अगर मेरे से भी ऐसा कभी होता है आई कॉल अप इमीडिएटली आफ्टर वन डे और आफ्टर टू आवर्स एंड आई टेल दैट पर्सन आई एम सॉरी मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने आई टेक बैक माई वर्ड्स आई से दिस लाइन दैट आई टेक बैक माई वर्ड्स एंड आई विल नेवर से देम अगेन आई से दिस। इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अभी और जब हम ध्यान में आए हैं तो अब इसके आगे और कुछ नहीं बढ़ाना हमको अपना। सो आई डू दैट आई एम स्टार्टेड दिस। ऐसा नहीं है हम भगवान है, ये तो किसी के साथ में आपने बोला ना, कई बार हम लोग अपने लिए ही अपने आप से ही कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने क्यों बोल लिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है सर, पर सेल्फ टॉक पे तो हमारा कंट्रोल है ना, वो तो हमें बिल्कुल नलिफाई करनी है, गलत नेगेटिव सेल्फ टॉक तो बंद कर दे। एब्सोल्युटली ये तो हमारे कंट्रोल में है, ये तो हमारे कंट्रोल में है। ओके, इट हैज टू बी इन 100% कंट्रोल, जो मुंह से निकले उस चीज पे तो बहुत चिंतन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सोच लें, बहुत सोच लें, बोलने से पहले जितना सोचना है सोच, बोलते बोलते भी एक बार और सोच लें, क्योंकि आप फिर आपने जैसा बोला आप सरस्वती को छोड़ रहे हैं ब्रह्मा के ब्रह्मा, पास में, हाँ, ब्रह्मा के पास में नहीं निकल गया तो ब्रह्मा हो गया। यस, सरस्वती से निकला और ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा हो गया, क्रिएटर हो गया। वेद दाई वर्ड्स बिफोर यू स्पीक, शेक्सपियर का है, सबको मालूम है आप सबको, वेद दाई वर्ड्स बिफोर यू स्पीक, तो तोल मोल के बोलना है हमें। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते धीरेन्द्र सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मैं ना आज मैंने मतलब कुछ घर में मेरा मेरे हस्बैंड के साथ आर्गुमेंट हो गया, तो मेरा बहुत ऐसे हैवी हार्ट था कि आज अटेंड करूं कि नहीं करूं, तो मेरा बेटा भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो वो मेरे पास आया, मम्मा आज का जो सेशन है बहुत पावरफुल है, आप चलो लगाओ, चलो देखते हैं। तो जैसे आपका सर सेशन चल रहा था ना, तो मैं आधे में उठ के जाके मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि आपने खाना खाया है, मैं आपके लिए खाना लेके आऊं, और प्यार से जैसे आपने कहा उनके सर पे ऐसे हाथ फेरा, एंड लिटरली मतलब मैंने उसी वक्त हैंड रेस किया था अंदर आके कि लिटरली ही वाज इन टीयर्स, कहते तुम्हें पता नहीं आज मैं अपसेट था और मैंने वॉक अकेले आज कैसे की है, आई कांट इवन, he said I can't even tell you कि I was so upset। तो वो मुझे बहुत शेयर करना था कि मतलब साथ के साथ ही प्रैक्टिकल हो गया, एंड आई सेड कि ओके सॉरी आई अपोलोजाइज माय वर्ड, लेकिन आपने शायद मुझे मोटिव ऐसे मतलब कहा था कि कुछ ऐसा कि मुझे जवाब देना जरूरी हो गया, लेकिन आई से सॉरी, तो वो तुरंत ही घर में ना मतलब ऐसा हो गया, एकदम से शांत हो गया माहौल, और कल्पना जी की तरह ना मेरे हस्बैंड भी अध्यात्म में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं ध्यान के लिए बैठ जाऊं तो मुझे कुछ नहीं करते, कभी गुरु जी के दर्शनों के लिए निकले जहां हम बाहर सत्संग के लिए जाते हैं तो मुझे नहीं करते, पता नहीं है इतने अच्छे पॉइंट होने के बावजूद उनका एक पॉइंट मुझे इतना ज्यादा मेरे दिमाग पे आ गया, तो सच में थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने पूरा पेज जैसे है कर लिया है सारा का सारा, स्टार लगा, तो आई एम गोइंग टू रीड इट, उसको मतलब पूरा रिसाइट करके दिन में सारा दिन करूंगी, और ये सेशन फिर से मैं निकाल के अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के फिर से उनको भी कोशिश करूंगी कि सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और मैं सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये सेशन अगले हफ्ते तक थोड़ा आप अपने ग्रुप में ऐसे फैमिली के जो उससे हर्ट हो गए हैं या अफेक्टेड हैं उनको ये सेशन दिखाइए, ताकि अगले सेशन में अटेंड होके उसको कैसे हम चेंज करें, कैसे हम उसको बदले, या वन वीक प्रैक्टिकली करके कैसे देखें उनको, थोड़ा प्लीज शेयर दिस आइडिया एटलीस्ट वन टू वन लाइक दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुजरात पे
इसकी वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप शेयरिंग में अपने जानकार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसका पार्ट टू जो कि कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा, जिसमें सारी बातचीत को कंक्लूड किया जाएगा, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स दैट कैन बी लर्नड, और अपनी जिंदगी को यू टर्न, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पर आपने अपना वाक क्षेत्र की शुद्धि कर दी, अब क्या बोल रहे हैं वो आपके सहकार से आपकी सृष्टि को बदल देगा। Exactly, change everything forever. तो अगर ये सेवा आप दे सकें तो बहुत अच्छी सेवा है। और खास तौर से ना डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए प्लीज जो ऑलरेडी उससे अफेक्टेड है। यस, जहां पे आपको लगता है कहीं पे प्यार की कमी है या कहीं ऐसे शब्दों से अफेक्टेड जो कोई मेरा रिलेटिव है, यस, तो उनको प्लीज, कुछ बच्चे होते हैं, प्लीज सुनिएगा पेरेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत टफ है, ये नहीं पढ़ूंगा मैं, दूसरा पढ़ूंगा, तो वो जो निकाल रहा है शब्द मेरे लिए इंग्लिश बहुत टफ है, अरे वो तो सर्टिफिकेट दे रहा है खुद को, प्लीज ये बच्चों से थोड़ा चेंज करवाइए। थैंक यू सो मच। रूपचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार धीरन सर। नमस्कार रूपचंद सर। नमस्कार। नमस्ते। आपका जो सेशन सुना वाक सिद्धि का बहुत बढ़िया है, इसी तरीके से लोगों को हम वही चीज समझा रहे हैं कि संसार के अंदर कहीं कुटुंब ऐसे जो अंदर अंदर बहुत झगड़ रहे हैं, वो कहीं बच्चे लोग हमारे पास में आते भी है, उनको आधा घंटा हमारे पास में बिठाने के बाद में प्रेम से भाव से उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, तो पहले तो वो रो लेती है, उसका सब कचरा जो होता है वो निकाल देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद में इतना रिलैक्स हो जाते हैं, जो प्यार और प्रेम से जो आप समझा रहे हैं उसी हिसाब से उन लोगों को समझाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके घर का 80% प्रॉब्लम एक या दो तीन दिन में कॉन्टेक्ट होने के बाद में इतना रिलैक्स हो जाते हैं, इम्पॉसिबल कम पॉसिबल हो जाता है। वेरी ग्रेट, ये इतना वाक सिद्धि का प्रेम और भाव की जो शक्ति आप दिखा रहे हैं वो हम चला रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि 15-20 साल शादी का होने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं समझ रहे अभी भी, फिर भी अंदर अंदर मुंझा रहे हैं, वो लोग आते हैं उनको बहुत प्यार और प्रेम से आधा घंटा उसको सामने बिठाते हैं और प्रेम से धीरे 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 अंदर समझा के उसके सिर पर हाथ रख के उसका जो भी कचरा है रुला देते हैं, जिसके हिसाब से बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और दो तीन दिन आधा आधा घंटा एक एक घंटा उनको बिठा के उनके सारे प्रॉब्लम है 70-80% 3-4 दिन में क्लीन हो जाते हैं। ये वाक सिद्धि और प्रेम और वात्सल्य से कार्य करने से बहुत बढ़िया होता है। आपने जो समझाया उसी हिसाब से हम ये सेवा भी कर रहे हैं, पत्री जी का कार्य भी कर रहे हैं ध्यान और मेडिटेशन के। ये आपकी असीम कृपा है। थैंक यू धन्यवाद, इतना सुना बहुत बढ़िया है। सर रूपचंद सर, आपसे सुनने के बाद मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जी हाँ, वो एग्जाम्पल ये है कि बेंगलुरु में एक बार एक गली के कुत्ते जो होते हैं सिटी में, बेंगलुरु सिटी में एक गली के कुत्ते ना स्कूल जाने वाले बच्चे को और बुजुर्गों को वो रास्ते में जो आते हैं उनको काटना शुरू किए। वो सारे बेंगलुरु के गली के कुत्ते ऐसे किए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया सर, और उन्होंने निमान से साइकियाट्रिस्ट से इसका स्टडी करवाया और उसका रिपोर्ट लिया। उन्होंने कहा ये जो है गली के कुत्ते इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, और होटल से इससे जो फूड बचता है रात में वो डंप करते हैं रोड के किनारे बिन में और खूब खाते हैं, उनको खाने की कोई कमी नहीं लेकिन उनको प्यार की कमी है, और वो वाइल्ड एनिमल जैसे हो गए और ऐसे कर रहे हैं। तो इसके बाद ना वो स्टडी से आप अपने घर के पालतू कुत्ते और जो भी जानवर है पालतू जानवर प्लीज याद कीजिए, आप बाहर से आते हैं तो जब तक आप उसके सर के ऊपर थोड़ा हाथ नहीं फेरते या उसको टच नहीं करते तब तक आपको छोड़ते नहीं। नहीं, ये आप जो बात बोल रहे हैं वो बस सही है, लेकिन हम जा गार्डन में ध्यान में जाते हैं तो दो चार कुत्ते आ जाते हैं हमारे पास में बैठ जाते हैं, जैसे उसको मंत्र बोलते हैं महावतार बाबा जी का तो इतना रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे नीचे पांव धरते कितना भी दूर होगा भाग के आ जाते हैं और प्रेम मांगते। यू आर डूइंग वंडर सर, यू आर डूइंग वंडर। गार्डन के अंदर हम आधा घंटा एक घंटा मेडिटेशन करते हैं, हमारे पास में 15 मिनट बैठ जाते ध्यान के अंदर वो डॉगी लोग दोनों। देखिए देखिए देखिए, यू आर क्रिएटिंग वंडर।
और प्यार और प्रेम सिवा हम कुछ देते नहीं है, जो ऊपर वाले ने दिया वही देने का हमको। यस, पतंजलि महर्षि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम, आगे श्लोक है कि वो प्राणी जो है वो वैर को छोड़कर भी, वैर वाले प्राणी भी वैर को छोड़कर आमने सामने बैठते हैं। तो वैसे आपके सामने ये सब आते हैं तो आपका प्यार का जो प्रकट रूप है आपका अस्तित्व में वो है सर। नहीं, इसी तरीके से बच्चों को पिरामिड लगा के सिर पे उसको पढ़ाई भी करवाते हैं, पढ़ाई कराने के लिए एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो जिससे इम्पॉसिबल जैसे पेपर देने का होता है तो उसको एडवांस में उसको पेपर जो मिलता है तो उसने जो तैयारी किया वही उसी के अंदर आ जाता है, इतना उसको खुशी हो जाती है, इतना पावर होता है उसमें। वेरी ग्रेट सर, वेरी ग्रेट, बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी समय है हम थोड़ा सा अपने भीतर जाके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं ताकि जागरूकता के साथ में हम अपनी वाणी पे देख सकें हम क्या बोल रहे हैं, क्या सृष्टिमान कर रहे हैं। और हमारे साथ में सीनियर पिरामिड मास्टर जीवनधर सर हमें गाइड करेंगे ताकि हम थोड़े गहरे जा सकें और अपने भीतर से उन मोतियों को ला सकें जिससे हम अपने जीवन को बदलेंगे सर। ओके सर, फ्रेंड्स ध्यान में बैठेंगे, कृपया चश्मा निकालिए और आराम से बैठिए, सुखासन में बैठिए या पैर अगर नीचे छोड़ रहे हैं तो पैरों को फीट को क्रॉस कीजिए और बैठना तो मालूम है सबको, उंगलियां एक के अंदर एक। प्लीज ध्यान बाद में कीजिए लेकिन पहले रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर शोल्डर्स, यू मे स्ट्रेच योर आर्म्स एंड सिट कंफर्टेबल। एंटायर बॉडी को, ऑल द 10-20 फिंगर्स, पूरे के पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आज हम ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं, खाली रिलैक्सेशन में बैठ रहे हैं। इतना रिलैक्स की बॉडी अभी हिलने लगा आपका ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से, सभी शब्द सुनाई देने लगे, बाहर के बहुत सारे शब्द सुनाई देने लगे, अंदर के बहुत सारे प्रकंपन आपको मालूम होने लगा। अब आप सहज सांस के साथ अंदर जाइए और उसके साथ बाहर आइए। एवरी ब्रेथ को फील कीजिए, हम किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं, एक ब्रेथ को छोड़कर दूसरे ब्रेथ को ऑब्जर्व करें ऐसा नहीं, हर एक ब्रेथ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। Only breath, only breath, only breath. हमारा कोई काम नहीं,
हमारा कोई नाम नहीं, हमारा बॉडी भी नहीं, हम एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। Only breathing, only breathing, only breathing. केवल सहज सांस के साथ। Enjoy your breath. एक बहुत बड़ी चीज है, हम enjoy ही नहीं करते। उसे तो बिल्कुल mechanical करते, mechanical ढंग से। पूरा enjoy कीजिए, जो हो रहा है उसको पूरा enjoy कीजिए, जो breathing pattern चल रहा है उसको पूरा enjoy कीजिए। कितना सुकून महसूस होता है देखिए। हर एक ब्रीदिंग के साथ अंदर जाइए, हर एक ब्रीदिंग के साथ बाहर आइए। बहुत खुशनसीब वालों को ऐसा मौका मिलता है। आराम से, आराम से, आराम से। देखिए कैसा फील हो रहा है आपको। सबको अलग अलग अंदर से फीलिंग है। कुछ लोगों को बॉडी सेंसेशन में फीलिंग है, कुछ लोगों को कुछ हो रहा है ऐसा फील हो रहा है।
कुछ लोग तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा उनको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस फील हो रहा है। कितनी ताकत है नेचुरल ब्रेथ को अब शुरू करने में, सहज श्वास के ऊपर ध्यान देने में, कितनी महान शक्ति है। केवल महान शक्ति नहीं, सभी शक्तियों की मूल शक्ति। ब्रेथ के बेस में जाएंगे तो हम अपने कोर पॉइंट में पहुंचेंगे। पहुंचे ब्रेथ के बेस में, कितने एकदम बेस पॉइंट पे, कितने लोगों को पहुंचना पॉसिबल है उतने लोग पहुंचे। और डीप और गहरा और गहरा। Enjoy your breath. दो मिनट
केवल श्वास श्वास श्वास। आखिरी एक मिनट only breath only breath only breath 30 seconds Every second is important. Every breath is important. Seconds. दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिएगा, 5 सेकंड तक रखिए, 5 4 3 2 1 0 प्लीज अपनी आंखें खोलिए और हाथ निकालिए और प्लीज आंखें खोलिएगा। आपके इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा मौका दिया आपने कि इस वाक क्षेत्र को हम कैसे और भी अच्छी तरह इसको ट्यून करके और हम कैसे हम ब्रह्म शक्ति को कैसे हम प्रकट कर सकते हैं, क्रिएशन पावर को कैसे हम इस क्रिएटिव पावर को कैसे हम प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर सो मेनी पीपल, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सीख लेने का समय। अपने खुद को हम लोग सोचते हैं कि हाउ आर वी क्रिएटर्स, कई लोग सोचते हैं हम भगवान हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो आपकी बात से क्लियर हो रही है कि अगर हमारे वाक क्षेत्र से हम अपनी सृष्टि को रच रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वी आर डेफिनेटली गॉड्स, दिस इज फॉर श्योर। तो वो ब्रह्मर्षि जो हमारे साथ में हैं, जो पत्री जी बोलते हैं ब्रह्मर्षि जी, तो दैट मीन्स वो बड़े पते की बात है और उसको आज आपने आप वो स्टैंप तो लगा दी है, उसके ऊपर में थप्पा मारेंगे। ओके यस सर। आप एला जी अपने आप को अनम्यूट करके आपके ध्यान के बारे में, जो अभी जो ध्यान हुआ उसके बारे में आप जरूर अपनी शेयरिंग दे दीजिए। यस सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब जीवंधर सर ने बोला कि गो मोर डीपर and experience your breath, तो मुझे few 3-4 seconds के लिए ही I touched that point कि ऐसा लगा कि मैं हूं ही नहीं और सिर्फ मेरी श्वास है बस, मतलब it was like that, it was a white light and मेरी श्वास थी बस और कुछ भी नहीं था। बात है, क्या बात है, congrats ma'am,
मतलब इट स्टार्टेड, अभी भी मेरा सर बहुत भारी है और अभी दिल्ली में इतना गर्म नहीं है कि बिना पंखे के हम बैठे हैं तो मुझे स्वेटिंग हो गया और ठंडा पसीना था और क्या कहते हैं मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा था एंड उसके बाद आई फेल्ट दिस वेरी ग्रेट. आज से आपके बीपी की गोलियां छूट गई. वेरी नाइस. थैंक यू. वेरी ग्रेट. कांग्रेट्स. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैडम. एंड जो मेडिटेशन के सेशंस हमारे डॉक्टर जीवनधर लेते हैं, खास करके इनके सेशंस हम लोग वीक के एंड में ही लगाते हैं, शुक्रवार को या शनिवार को, ताकि लोगों को भीतर गहराई में, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वीकेंड आता है तो आपको इतना यहाँ तक आप पहुंच गए, अब उसके आगे आपको और अपने आप को और भीतर ले जाना है. ये हमारे प्रेरणा के स्तोत्र बनते हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर हैं. इनकी ऊर्जा से जो उपलब्धि हम सबको मिली उसके लिए मैं आप सभी के बिहाफ पे डॉक्टर जीवनधर का बहुत 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 कृतज्ञता शो करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जीवनधर सर.